खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकॉन दबाइए और एबीपी न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए। मॉनसून की छटा तो मेघालय में दिखती है, यहाँ जीवन के हर रंग में बसे हैं मेघ। मॉनसून से पहले मेघालय में खास नृत्य के जरिए होती है ईश्वर की पूजा पाठ और आराधना। अच्छी फसल के लिए ईश्वर का शुक्रिया अदा किया जाता है और नई फसल के लिए ज्यादा बारिश ना होने के लिए भी पूजा की जाती है। ऐसा इसलिए क्योंकि मेघालय में बारिश 4 महीने तक रुकने का नाम नहीं लेती है। मेघालय की खासी जनजाति इस त्योहार को मनाती है। देखिए, भारत विविधताओं का देश है। किस तरीके से इस मौसम को त्योहार के रूप में मनाया जा रहा है, इस जो त्योहार है उसको काशाद सुख मिनसियम कहा जाता है, जिसका मतलब है हर्षोल्लास का नृत्य। और ये नृत्य आप देख भी रहे हैं कि किस तरीके से सभी लोग इसमें हिस्सा ले रहे हैं। मेघालय के अलग अलग हिस्सों में इन दिनों का शाद सुख मिनसियम की धूम मची हुई है। झमाझम बारिश हो रही है और उसके बीच ये नाच गाना। मेघालय अपनी खूबसूरती के साथ साथ अपनी संस्कृति और परंपराओं के लिए भी जाना जाता है। मेघालय में खासी जनजाति के लोग बहुल्य संख्या में रहते हैं और अपनी परंपराओं को उन्होंने आज भी जिंदा रखा है। दरअसल ये जो नृत्य आप देख रहे हैं, जो खास खासी पारंपरिक वेशभूषा में ये सभी परफॉर्मर्स यहाँ पर कर रहे हैं, दरअसल ये नृत्य एक खास वजह से किया जा रहा है। यहाँ पर भगवान को शुक्रिया अदा किया जा रहा है, साथ ही साथ उन्हें मनाया जा रहा है कि मॉनसून के समय में बारिश इतनी ज्यादा ना हो कि फसल खराब हो जाए। यहाँ पर एक पंडित होते हैं जो इस बात के लिए पूजा करते हैं कि इससे पहले जो फसल की कटाई हुई है वो उसके लिए शुक्रिया अदा करते हैं भगवान का, और साथ ही साथ उनसे ये प्रार्थना करते हैं कि मॉनसून के समय में बहुत तेज बारिश या बहुत तेज हवा ना हो, जिससे कि आगे जो नई फसल की बुआई की गई है वो खराब हो जाए। यानी भगवान को प्रसन्न करने के लिए, उनका शुक्रिया अदा करने के लिए खास तौर पर इस नृत्य का आयोजन किया जाता है और इसको नाम दिया गया है का शुद्ध सुख मिनसियम, जिसका मतलब होता है द डांस ऑफ जॉयफुल सोल्स, यानी खुशी से सेलिब्रेशन करते हुए ये तमाम जो यहाँ पर परफॉर्मर्स हैं, ये आर्टिस्ट हैं, ये दरअसल अपनी परंपराओं को निभाते हुए भगवान को खुश करते हैं, उनका शुक्रिया अदा करते हैं और उनसे प्रार्थना करते हैं कि आगे जो फसल की बुआई की है उसकी भी वो भी अच्छी तरह से पनपे, इसलिए मॉनसून में बारिश बहुत ज्यादा ना हो और हवा बहुत तेज ना चले। कैमरा पर्सन अजय चाकू के साथ अंजलि सिंह, एबीपी न्यूज मेघालय। तो आपने अंजलि की ये रिपोर्ट देखी, केरल से लगातार आगे बढ़ रहा है मॉनसून और मेघालय के ईस्ट खासी हिल्स की हम आपको तस्वीरें दिखा देते हैं। जिस इलाके की ये तस्वीरें हम आपको दिखाने जा रहे हैं वो है मासिनराम, जहां सबसे ज्यादा बारिश होती है। सबसे ज्यादा बारिश वाला मासिनराम यहीं पर है, जिसने चेरापूंजी का खिताब छीन लिया है। खासी बहुल इस इलाके के खास डांस की ये खासियत हमारी सहयोगी अंजलि आपको बताएंगी। मेघालय का प्रसिद्ध का शाद सुख मिनसियम ये वो त्योहार है जिसको यहाँ पर फिलहाल ये परफॉर्मर्स जो हैं वो इस समय परफॉर्म कर रहे हैं। दरअसल ये जो नृत्य आप देख रहे हैं, छोटे छोटे स्टेप्स, नन्हे नन्हे कदम लेकर इनको किया जाता है। अंदर के घेरे में लड़कियां होती हैं जो कि धीरे धीरे चलती हैं और छोटे छोटे कदम लेती हैं, वहीं बाहर के घेरे में लड़के होते हैं जो कि थोड़े बड़े और तेज कदम लेते हैं। और इस फेस्टिवल का, इस डांस का एक खास महत्व है, दरअसल भगवान का शुक्रिया अदा करने के लिए कि जो खेती का सीजन अभी खत्म हुआ है मॉनसून से पहले, उससे पहले जो फसल हुई है उसके लिए भगवान का शुक्रिया अदा किया जाता है। और इसके साथ साथ आगे आने वाली जो फसल है, यानी जब मॉनसून अभी फिर आएगा तो उसमें बारिश बहुत ज्यादा ना हो, इसके लिए खास तौर पर एक पुजारी होते हैं जो भगवान को मनाते हैं, उनसे कहते हैं कि मॉनसून में बारिश बहुत ज्यादा ना हो, हवा बहुत ज्यादा ना चले, जिससे कि फसल उनकी खराब ना हो। और ये तमाम खूबसूरत जो परफॉर्मर्स हैं अपने खास खासी परिधान में इस फेस्टिवल को परफॉर्म करते हैं, इस डांस को परफॉर्म करते हैं और भगवान का शुक्रिया अदा करते हैं। कैमरा पर्सन अजय चाकू के साथ अंजलि सिंह, एबीपी न्यूज मेघालय।